कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने जमान स्कूल में किया अपना वोट कास्ट, जनता से ज्यादा वोट करने की करी अपील। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसी बीच जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा भी जवाहर स्कूल में अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। इस बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सभी बूथों पर शांतिपूर्ण चुनाव जारी है, जहां ईवीएम खराब हुई है वहां पर हाथों हाथ बदलकर मतदान सुचारू किया गया। सर, अजमेर संसदीय क्षेत्र में 1951 बूथ है, सभी पे मॉक पोल संपादित हो चुका है और शांतिपूर्वक तरीके से सभी मतदान केंद्रों पे वोटिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक ये दो या तीन जगहों से ही केवल ईवीएम के खराब होने की सूचना आई है और वहां पे ईवीएम को रिप्लेस कर दिया गया है और उम्मीद करता हूं कि ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। हमारी सारी व्यवस्थाएं माकूल है, फ्लाइंग स्क्वाड्स और सेक्टर ऑफिसर्स और पुलिस का प्रबंध पूरी तरह से चाक चौबंद है और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सर, यूथ के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? यूथ को मेरा उनसे अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकले और मतदान केंद्रों तक पहुँचे और ये जो लोकतंत्र का पर्व है, जो पहले बार के वोटर हैं, उन सभी युवा मतदाताओं से अपील है कि वोट करें। सर,